हरियाणा में आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन के रास्ते अलग थलग होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला विदेश से आते ही जनसंपर्क अभियान में जुट गए। ऐसे में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों को देखते हुए दिग्विजय ने एक वर्कर मीटिंग में खुलकर कहा कि हम भी महसूस करते हैं कि सरकार में वो ठाट नहीं है जो चौधरी देवीलाल की सरकार में हुआ करते थे, या फिर हमारी 5 साल की पिछली सरकार में थे। वो ठाट चाहिए तो अपने को 46 सीट चाहिए। दिग्विजय ने मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना कहा कि जो कहते हैं कि ये सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं, तो वो सही कहते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री खट्टर ने पिछले दिनों एक बयान दिया था कि ये सरकार बीजेपी की है। जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला यहाँ नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि 10 सीट से सरकार नहीं बनती, कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की कोशिश करते तो 31 के साथ 10 जोड़ने पर भी सरकार नहीं बनती। दिग्विजय ने कहा कि सरकार एक ही तरीके से बनती थी, हमने चाहे बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे हों, लेकिन मुद्दा था कि दुष्यंत जीतने के बाद अपने वायदे पूरे कैसे करें। मैं नाम नहीं लूंगा कि एक आदमी ने कहा कि ये बीजेपी की सरकार है जेजेपी की नहीं, वो तो सहयोगी है, उनकी बात सही है। आज दुष्यंत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, दुष्यंत के पास जितनी कलम की ताकत थी उसने इस्तेमाल किया। अगर आप चाहते हो कि वो राज आ जाए, इसके लिए हमें 46 सीट चाहिए। आप दुष्यंत को आजमा रहे हो, लेकिन उसके पास ताकत सिर्फ 10% है, इसलिए गुजारिश करता हूँ कि नाराज तो अपने से होया करें। आप मेरी बात का विश्वास करो, दुष्यंत की नियत में खोट नहीं है। 2024 में हालात ऐसे बन जाएंगे कि जेजेपी 50 से 55 सीटें लेकर जाएगी। बहरहाल यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला हरियाणा का विधानसभा चुनाव रोचक होगा, क्योंकि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में सीटों के बंटवारों पर तकरार बनती दिख रही है। ऐसे में देखना होगा कि सत्ता के दंगल में जीत का ऊंट किस करवट बैठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्य खबर। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।